चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है और राजस्थान स्टेट के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश स्टेट का एक बार शेड्यूल देख लेते हैं और कितनी इसकी सिक्योरिटी मनी है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी इसकी। तो उत्तर प्रदेश में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 25 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे क्लोज हो जाएंगे, यानी ये 3 दिन के लिए ही ओपन होंगे। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है 2000 रुपीज और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है वो 25 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। ये 4 डेज के लिए रखी गई है इसमें। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं वो होंगे 25 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 तक। मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऑनलाइन ही ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, पहले ये ऑफलाइन होते थे नोडल सेंटर पर, अभी इनकी व्यवस्था ऑनलाइन की कर दी गई है। जिन कैंडिडेट के ऑनलाइन में जो भी कमी होगी वो अपने नोडल सेंटर पर जा करके या फिर फोन करके वहां से पूरी करवा सकता है। आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में, जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर द्वारा, आपको इसके लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी 29 जुलाई 2023 को और इसमें ऑनलाइन च्वाइस फिल कर सकते हैं 31 जुलाई सुबह 11 बजे से लेकर के 3 अगस्त 2023 दोपहर 11 बजे तक कर सकते हैं च्वाइस फिलिंग। इसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 3 या 4 अगस्त 2023 को और इसमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं 5 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023। मैं आपको यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूपी में जो आप च्वाइस फिलिंग करते हैं उसको लॉक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक का कोई ऑप्शन नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए जो आपने च्वाइसें फिल की हैं वो कंसीडर नहीं की जाएंगी अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो। अब रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपीज हर एक कैंडिडेट को देना होगा, चाहे वो प्राइवेट में एडमिशन ले रहा हो या फिर गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहा हो। सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट की कंडीशन में 30,000 रुपीज रखी गई है। जो कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी मनी 2,00,000 रुपीज देनी होगी। इसके बाद में जो डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी मनी 1,00,000 रुपए रखी गई है प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए 30,000 है। अब बात करते हैं इसमें आगे कि इसमें जो और क्या रूल्स हैं। तो इसमें और रूल्स ये हैं कि आपको अगर फीस फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करनी है, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। आगे आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी मनी आपको फिर से डिपॉजिट करनी पड़ेगी और फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग के अलग रूल हैं, पहले आप काउंसलिंग के रूल समझने के बाद ही काउंसलिंग करवाएं, नहीं तो छोटी सी गलती भी आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर करना है, यानी यूपी नीट .gov.in पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये तो था यूपी का शेड्यूल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के शेड्यूल की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे 26 जुलाई 2023 को और ये अवेलेबल रहेंगे 31 जुलाई 2023 तक। इसके बाद में जो वैकेंसीज हैं वो पब्लिश हो जाएंगी 26 से लेकर 27 के बीच में। अगर इन वैकेंसीज में किसी को कोई डाउट या ऑब्जेक्शन रहता है तो वो 28 जुलाई तक
कर सकता है ऑब्जेक्शन। इसके बाद में स्टेट मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को पब्लिश हो जाएगी। च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए जो समय रहेगा वो 2 अगस्त लेकर के 4 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद में जो अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड का वो 7 अगस्त 2023 को हो जाएगा। रिपोर्टिंग होगी 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक, और इसमें आपको ऑनलाइन रिजाइन देना है या कैंसिल करनी है सीट को, वो कर सकते हैं 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त 2023 तक। तो ये शेड्यूल रहेगा एमपी स्टेट का। अब बात करते हैं हम राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट के भी फॉर्म 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसका शेड्यूल जैसे ही पब्लिश होगा राजस्थान स्टेट का, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आपके लिए एडवांस में इन्फॉर्मेशन है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, फिर से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।